देश भर में थोक महंगाई दर कम होने के बावजूद खुदरा बाजार में हर वस्तु महंगी है। कयास लगाए जा रहे थे कि थोक महंगाई दर कम होने का असर बाजार पर दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। त्योहार के सीजन में हर सामान महंगा मिल रहा है। वहीं सरसों के तेल की बात करें तो विभिन्न राज्यों में तेल के भाव में आज भी तेजी बरकरार है और इसका असर अब यूपी में भी नजर आ रहा है। यूपी में 10 अक्टूबर को जहां सरसों का तेल महज 146 रुपए था, वहीं आज जबरदस्त उछाल आया है। आज 11 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में सरसों का तेल 7 रुपए बढ़कर 153 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। दरअसल देश भर में लंबे समय से पेट्रोलियम पदार्थ के रेट स्थिर हैं, लेकिन इसके बावजूद घरेलू सामान के दाम बढ़ रहे हैं। इस कारण आम लोगों की जेब पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। विभिन्न राज्यों के बाजारों में सरसों के तेल का भाव भी सातवें आसमान पर है, जबकि यूपी में उलटफेर के बाद मंदी का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश में सरसों के तेल का भाव अन्य राज्यों की तुलना में आज भी काफी नीचे है। आज 11 अक्टूबर को यूपी में सरसों का तेल 153 रुपए प्रति लीटर है। वहीं वायदा बाजार में आज 11 अक्टूबर को भी सरसों के तेल का भाव न्यूनतम लगातार दूसरे दिन गाजियाबाद में महज 139 रुपए लीटर है, जबकि गाजियाबाद में ही 9 अक्टूबर को 138 रुपए लीटर था। इससे पहले 8 अक्टूबर तक लगातार 3 दिन सरसों के तेल के भाव गाजियाबाद में 139 रुपए देखने को मिले थे। वहीं 5 अक्टूबर को भी 144 रुपए प्रति लीटर भाव देखने को मिला और 4 अक्टूबर को भी भाव 144 रुपए प्रति लीटर रहा था, लेकिन अब भाव 139 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। यूपी के बाजारों में आज 11 अक्टूबर को सर्वाधिक सरसों तेल के रेट कानपुर 180 रुपए प्रति लीटर पर खुले, जबकि 10 अक्टूबर को सरसों के तेल के भाव शाहजहांपुर में 151 रुपए दर्ज किए गए। इससे पहले 9 अक्टूबर को सरसों के तेल के सर्वाधिक भाव मुजफ्फरनगर में 147 रुपए देखने को मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।